आपसे जब मैं बात करता हूँ तो मैंने अपने ऊपर एक पाबंदी लगाई हुई है कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगा जो मेरा जतीी तजुर्बा ना हो जो मेरे ऊपर बीती ना हो या जिसको मेरा हकुल यकीन ना हो लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक्सेप्शन है और ये ये एक्सेप्शन है कि ये हंड्रेड परसेंट मेरा तजुर्बा नहीं है गो थोरेटिकल लेवल पर फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर मैं इसको हंड्रेड परसेंट समझता हूँ और तजुर्बाती लेवल पर भी कुछ हद तक समझता हूं मगर अभी सेटिसफैक्ट्री लेवल पर नहीं समझ रहा इसलिए ये ये इतराफ मैं सबसे पहले आपके साथ करना चाहता हूं देखिए बात ये ज़रा यह अच्छा दूसरी लिहाजा ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मेरी बात नहीं है तजर्बे का उतना पोर्शन तो मेरा है लेकिन बाकी फिलोसॉफिकल और थियोरटिकल बात ये और लोगों की है जिनसे मैंने सुनी है देखिए बात यह मेरा अपना आप कैसे डिफाइन होता है मैं कौन हूँ इसको डिफाइन करती है मेरी ये बाहर का एपीथीलियम ये मेरी जिल्द यानी एपीथीलियम और टेक्निकल लफज है जो कि बाहर की झिल्ली है ये मेरी जिल्द डिफाइन करती है ना कि ये मैं हूं जो चीज़ इस जिल्द से बाहर बाहर की है वो मैं नहीं हूं जो इस जिल्द के अंदर अंदर है वो मैं हूं लिहाजा मैं इसको ओन करता हूं अगर इसको कोई फायदा होगा तो मैं कहूंगा मुझे फ़ायदा हुआ अगर फर्ज करें मेरे यहां दर्द हो रहा है और दवाई दी और ये ठीक हो गया तो मैं कहूंगा मैं ठीक हो गया इसलिए कि ये मैं हूं तो मैं जो हूं वो इस जिल्द के अंदर अंदर की चीज़ है जो चीज़ इस जिल्द से बाहर हो गई वो मैं नहीं हूं लिहाजा ये मेरा बेटा बैठा हुआ है अहमद इसको अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो चाहे जितनी भी तकलीफ हो लेकिन वो उस तकलीफ के बराबर नहीं होगी जो मुझे खुद हो रही है यानी फिजिकल इवेंट के अंदर क्योंकि ये मैं नहीं हूं अच्छा इसी तरीके से ये मेज मैं नहीं हूं अगर इस मेज को कुछ होगा इस, अगर मैं इसको ओन करता हूं तो उस पर मैं परेशान होऊंगा लेकिन वो तकलीफ नहीं होगी इस बात को अब मेरी बात समझ रहे ना अच्छा अगर फर्ज करें ये मेरा हाथ यहां से लंबा हो जाए और ये इरम तक पहुंच जाए वहां तक चार चार फुट अब उस उस, उंग, उस उंगली को कोई काटे तो फिर किसको तकलीफ होगी फिर भी मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मेरी बाउंड्री के अंदर वो आ गया है अच्छा अब इंसान ने अपने तखयल में अपनी एक बाउंड्री बनाई हुई है और लेकिन जो इंसान ने अपने तखयल में अपनी बाउंड्री बनाई हुई है ना एक्चुअली वो बाउंड्री नहीं है ये इसकी एक मिसाल बड़ों ने ये दी है कि जैसे आपने एक पानी का बुलबुला बनाया अभी अहमद ने एक बुलबुला बनाया पानी का और आपने एक बुलबुला कैसर ने बनाया आपने इरम ने बनाया मिसमा ने बनाया ये छह बुलबुले बन गए और मैंने भी एक बुलबुला बना लिया बुलबुले बने हुए हैं इन बुलबुलों के अंदर हवा है लेकिन उस बुलबुले की बाउंड्री की वजह से ये जावेद इकबाल का बुलबुला है ये अहमद का बुलबुला है ये कैसर का बुलबुला है ये इनका बुलबुला है ये इनका बुलबुला है अच्छा अब इन सारे बुलबुलों के अंदर जो सब कुछ है हम दावा करते हैं कि ये मेरा है लेकिन आप थोड़ी देर के लिए वो बाउंड्री खत्म करें तो वो किसका है वो किसी का भी नहीं वो एक कॉमन हवा में से गौर से सुनिएगा प्लीज इस कॉमन हवा में से हमने एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बनाकर उस हवा को अपनी हवा कह लिया है लेकिन असल में तो वो मेन हवा का हिस्सा है तो इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी एग्जिस्ट कर रही है जिसको आप कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं अब ये टर्म बहुत यूज हो रही है कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं आला आलाशूर भी कह सकते हैं आफाकी शऊर भी कह सकते हैं वो एक टोटल एक जिंदगी है जो एक है उसमें से एक बुलबुला मैं हूं जिसने और मैंने अपने आप को ओन कर लिया है कि ये मैं हूं अगर किसी वजह से मुझे ये समझ में आ जाए कि कैसर भी मैं ही हूं सिर्फ एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है और ये अहमद भी मैं ही हूं और इरम भी मैं भी हूं और मिसबा भी और आप सभी सोचे जावेद भी अहमद ही है अहमद ही जावेद है एक्चुअली है भी ऐसा तो अब अगर अहमद को तकलीफ होगी तो तकलीफ किसी होगी और अगर अहमद को खुशी होगी तो इसका मतलब यह है अगर हमें रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ हो जाए कि रियल मैं क्या है तो ये पूरी दुनिया हमारे इंफरादी और हमारे इज्तमाही मसाइल खत्म हो जाएंगे और मुझे अभी यह बात याद आई है कि मौलाना रूम ने जो खुद शनासी का कॉन्सेप्ट दिया है खुद शनासी का कॉन्सेप्ट और यह बात मैंने हमारे बुजुर्ग अहमद जावेद साहब के मुंह से सुनकर समझी है उनका जो और उसी उन्हीं से गालिब ने आ, अलामा इकबाल ने अखज करके जो खुदी का कॉन्सेप्ट दिया उसमें तो गौर से सुनिएगा ये बात उन्होंने कहा है कि जो खुदी है ना उसके तीन स्टेप हैं यानी सेल्फ अवेयरनेस के तीन स्टेप हैं खुद शनासी के तीन स्टेप हैं पहला स्टेप है मैं मैं के बाद दूसरा स्टेप है हम हम के बाद तीसरा स्टेप है मैं तो लिहाजा एक ऑब्लीगेटरी एक जब एक जबरी एक मजबूरन मैं हूं यह मेरा जिस्म जो है ना यह एक मजबूरी है मेरी कि मैं हूं यह सिर्फ जिस्मानी सतह पर नहीं है यह शोरी सतह पर भी है यह इमोशनल सतह पर भी है यह स्पिरिचुअल सतह पर भी है यह एक मैं हूं इस मैं के अंदर ही रहना खुद शनासी की सबसे हल्की शक्ल है मेरा खाना मेरा पीना मेरे कपड़े मेरी जरूरत मेरी कार मेरी गाड़ी मेरा सब कुछ मैं मेरी इज्जत मेरी ये। जब ये खुद शनासी करती है तो यह बुलबुलाट बुल बुल तो हो जाती है यानी फर्स्ट अपनी मैं प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन का नाम हम है बात कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रही वाजे हो रही है बात को जब तक हम अपने इस, इस फिजिकल एंटिटी को पार्ट ऑफ अ ग्रेटर एंटिटी जिसमें सारे लोग शामिल हैं ये नहीं समझते तो हम खुद शनास नहीं होते लिहाजा मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं लिहाजा कैसर को तकलीफ होती है तो रात को मेरी आंखें सूझनी चाहिए और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें तो लाइफ ये बरगद का दरख्त अगर कटता है फिर भी रात को मेरी आंखें सूझनी चाहिए जिंदगी अपने जिस फेज के अंदर भी तकलीफ में है वो असल में मेरी तकलीफ है देखे ना अगर मेरी उंगली कट जाएगी तो मेरा क्या मेरी आंखें कह सकती हूं मैनू की आंख रोएगी हालांकि आंख नहीं कटी जबान चीखेगी हालांकि जबान तो नहीं चीखी इसके बाद जो तीसरे दर्जे में जब आप इस इजतमाइत से निकल कर आप दोबारा अपनी इनफरादी अहमियत के साथ आते हैं तो वो है जो खुद ही जिसको अलामा इकबाल कहते हैं लिहाजा मेरा यह ख्याल है कि हमें हम से हर शख्स की जरूरत है कि हम सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें और अपने इर्द गिर्द हमने जाली बाउंड्री लगा के अपने आप को कन्फाइन कर लिया है और हमने समझा है कि ये खाल के अंदर अंदर ही मैं हूं इस ये सिर्फ वो पानी का बुलबुला है और अगर आपने आपको अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो जिस दिन हमारा सांस निकलेगा ना इमीजिएटली लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जावेद इकबाल यहाँ है इस कायनात में ये जो पड़ा हुआ है ये जावेद इकबाल की बॉडी है वो किधर गया वो जो बाउंड्री फटी और वो बुलबुला निकलकर कहीं रूस की अब जो, जो मुझे नहीं पता उसका क्या नाम दें वो किसी आफाकी पार्ट का हिस्सा बन के उसके अंदर तहलील होकर कि किसी और जो अल्लाह पाक ने हमें बताया है वो उसके दरबार में जाके हाज़िर हो गया बर ज़ख्म वो सब बातें जो है ना हमारे बुज़ुर्ग हमें बता सकते हैं मेरा उसका नहीं है तो लिहाजा समरी इसकी बात तो ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगी समरी इसकी है कि गौर करके अंदाज़ा लगाएँ कि जो जिसको मैं मैं समझ रहा हूँ वो मैं है ही नहीं वो पार्ट ऑफ अ बेगर हम हैं इसलिए हम की सारी तकलीफें मैं की तकलीफें हैं और मैं के सारे सुखों में हम का हिस्सा है और हम के सारे दुखों के अंदर मैंने अपना हिस्सा डाल के उसको भोगना है यह है सेल्फ अवेयरनेस और यह अगर आपको नसीब हो जाए कहां की लड़ाई कहां का झगड़ा कहां की दुश्मनी कहां की अच्छा। कहां का हसद कहां का वो कहां की नफरत कहां की ख्वाहिशें कहां की डिजायर कहां की लज्जत तो ये बात